मेरे घर की होने वाली बहू है। I don't want any complaint from her. अभी तक मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपको कैसी हीरोइन चाहिए। Wait a minute, स्वामी। जी सर। ऐसी लड़की चाहिए। प्रेम जिस फिल्म में हीरो हो, उस फिल्म का तो मैं पोस्टर तक ना देखूं जोशी जी। देखो मलिका जी का जो वकील है ना, वो शहर का सबसे बड़ा वकील है। But definitely कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढने। कब? उन्हें सजा सुनाती जाएगी, तब। या हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया जाएगा, तब। You know, अंकल, आज जब मुझे मॉम की सबसे ज्यादा जरूरत है, तब वो मुझसे दूर है। हमारी फिल्म हिट हुई, तब भी वो मुझसे दूर थी। और आज जब अंजी रेड्डी ने मुझे लीड रोल के लिए सिलेक्ट कर लिया है, तब भी वो मुझसे दूर है। देखो बेटा, हिम्मत मत हारो। ये जो मलिका जी का वकील है ना, बहुत काबिल वकील है। वो इतनी जल्दी केस को हाथ से जाने नहीं देगा। यू डोंट वरी। हाँ, आई रियली मिस माय मॉम। ये सब मेरा ही कसूर है। मैंने ही कहा था प्रेम से कि हाँ, जाओ भोपाल जाओ। ना ही प्रेम भोपाल जाता, ना ही वो मनहूस विधि हम सबकी जिंदगी में आती। जब से उसका साया हम सबकी जिंदगी पे पड़ा है, तब से। अंकिता, ये विधि को इतना इंपॉर्टेंस देना जरूरी है क्या? आंख में जब तिनका घुस जाता है ना, तो तिनके को निकाल दिया जाता है, आंख को नहीं फोड़ा जाता है। मेरी जिंदगी में महज एक दिन का थी। आप लोगों ने ना विधि को याद कर करके उसे एक हवा बना दिया है। आज हम दोनों का है, इस साल की सबसे बड़ी सुपरहिट फिल्म दी हमने। और वो विधि गुमनामी के किसी अंधेरे में खो गई होगी। देखिए, आप लोग आज के बाद विधि का नाम नहीं लेंगे। That's it. प्रेम इज एब्सोल्युटली राइट। देखो, अभी अंजी रेड्डी की फिल्म शुरू होने वाली, ठीक है? मैं चाहता हूं कि तुम दोनों बस इसी फिल्म के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। ऑलराइट, कम ऑन स्माइल, कम ऑन स्माइल। जी, पर दिल में एक घुटन सी होती है, डर सा लगा रहता है। मनहूस ने फिर कुछ कर दिया तो रेड्डी साहब, अरे जोशी है, वेलकम। जय श्री कृष्ण। अविधि, अविधि आओ। नमस्कार, नमस्कार। सिट 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 सिट। माय नेम इज अंजी रेड्डी From Chennai. I am a film producer. जी हाँ, जोशी जी ने बताया था आपके बारे में। आप एक्टिंग करना चाहती है? जी। क्यों? ये एक्टिंग क्यों करना चाहती है? For money, famous, what? मेरे पापा की कुछ कसमें पूरी करने के लिए। पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये एक्टिंग क्या होती है? किसी भी कैरेक्टर को जीना, यही होती है एक्टिंग। कैरेक्टर क्या होता है? हमारी जिंदगी का हिस्सा। छोटी उम्र है आपकी, अभी जिंदगी में क्या देखा आपने? क्या सुख होता है, क्या दुख होता है?
सर, मेरी उम्र भले छोटी हो पर जिंदगी को मैंने भी बहुत करीब से देखा है। माँ के हाथ के निवालों का सुख जानती हूँ तो बाबा की चिता का दुख भी सहा है मैंने। इमोशनल नहीं होना, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मुझे सिर्फ काम चाहिए, एक अच्छी कलाकार होना है। I want the result. हाँ सर, पर जो इंसान छोटी छोटी बातों का फर्क नहीं समझ सकता वो कलाकार कैसे बनेगा? I impress you. आप मेरे फिल्म में काम करना चाहोगी? जी जरूर, लेकिन एक बात है सर, मेरी मर्यादा मेरे लिए सबसे ज्यादा है। स्वामी। जी सर। चेक का प्लीज। आपसे मिलके बहुत खुशी हो गई, आपके साथ काम करके हमें और खुशी होगी। Take it, 5 lakh token money. Come hai. मुझे फिल्म मिलने से ज्यादा इस बात की खुशी है कि मैं आप सबसे मिली। तुम्हारी खुशी में हमसे ज्यादा और भी कोई खुश होने वाला है। सोच रही हूँ सर, सोच रही हूँ हर काम की कीमत पैसा ही क्यों होता है। मैं ये फिल्म इसलिए करना चाहती हूँ ताकि मैं अपने पापा की कसम पूरी कर सकूँ। ऋषि जी, अब तो कसम पूरी करने की भी कीमत लगने लगी। सर, ये पैसे, ये शोहरत, ये सब नहीं चाहिए मुझे। मुझे सिर्फ काम चाहिए जिससे मेरा सर हमेशा ऊंचा रहे। जोशी जी, मेरे आखिर कैरियर में ऐसी लड़की नहीं देखी जो पैसे को देख को पिघलती नहीं है। विधि, ये पैसा तुम्हारी कसम पूरी करने के लिए नहीं है और ये तुम्हारे काम का नतीजा भी नहीं है। कुछ जिम्मेदारियां होती है हमारे सर पर, जिंदगी में कुछ जरूरतें पूरी करने के लिए पैसा जरूरी होता है। पैसे के लिए जीना और जीने के लिए पैसा कमाना बहुत अलग बात है। ये तुम्हारा गुड लक है, रख लो इसे। रख लो, रख लो बेटा, रख लो। ये हौसला रग रग में है भरा। जोशी जी, क्या कहूँ अब आपको? विधि, मुझे नहीं है,
तो दुनिया को जवाब देना है तुम्हें, और खास करके उन लोगों को जिन्होंने तुम्हारी नहीं, तुम्हारे हुनर की नहीं, तुम्हारी जिंदगी की कीमत लगाई है। ये शुरुआत है एक नए जंग की। अभी तो उन लोगों का जय श्री कृष्ण। आंटी, आंटी, अरे आंटी कहाँ हो आप, जल्दी आओ। आंटी, अरे आंटी 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 जल्दी आओ ना। क्या बात है, घर को किस सर पे उठा के रखा है तुमने? बात ही कुछ ऐसी है। क्या बात है, कैसे कहो? एक सेकेंड, आप खुद ही देख लीजिए। क्या है? जल्दी देखो ना, आपके लिए। हाँ हाँ, देखता है देखता है देखता है, खेलो ना। पांच लाख का चेक किसने दिया तुमको? आंटी मुझे एक बहुत बड़ी फिल्म मिल गई है, लीड रोल है, और पता है साउथ के प्रोड्यूसर्स है, ये एडवांस है। फिल्म किसने दिलाया? जोशी जी ने, उन्हीं की मदद से वो तो मुझे फिल्म मिली है। ये तो बड़ा खुशी का बात है, रखो तुम। नहीं आंटी, ये आप रख लीजिए। आंटी मैंने आज तक आपकी कोई मदद नहीं की, तक कि किराया भी नहीं दिया मैंने। बेटी माँ को किराया देता है? विधि, तुम हमारा घर में नहीं, हमारा दिल में रहता है, और हमारा दिल में रहने का किराया देगा तुम? बोलो, देगा? नहीं ना, तो रखो तुम्हारे पास। हमने बोला था ना, जब तुम बहुत बड़ा स्टार हो जाएगा तब हमको बहुत सारा पैसा देना, बहुत सारा शॉपिंग करवाना। हाँ तो रखो अपने पास है। नहीं आंटी, हर संतान की एक ख्वाहिश होती है कि वो अपनी पहली कमाई अपने माँ बाप को दे, और ये तो मेरी पहली इतनी बड़ी कमाई है। माँ पापा होते तो शायद ही कमाई मैं उन्हीं को देती, लेकिन अब मेरा आपके अलावा कोई नहीं है इस दुनिया में। आप ही रखिए, मना मत करना, मुझे बहुत खुशी होगी। तुम खुश हो ना बेटा? ज्यादा खुश इसलिए हूँ क्योंकि आप इतनी खुश हो। आंटी मुझे फिल्म मिलने से ज्यादा इस बात की खुशी है कि मैं आप सबसे मिली। तुम्हारी खुशी में हमसे ज्यादा और भी कोई खुश होने वाला है। जाओ उन लोग के पास जाओ और उनके साथ अपनी खुशी बांटो। अब भी जाती हूँ, आप ही रखिए। मैड, बिल्कुल मैड है हमारा बच्चा। तो उस हीरो के साथ काम करेंगी? हाँ मुन्ना। तकदीर वाली, उसने तेरे को धोखा दिया है, तेरे को रुलाया, इतना दुखी क्या है फिर भी? उनकी दाई आंख बहुत फड़फड़ा रही ली रे, क्या होने वाला है? भाई तेरा आंख फूटने वाला है, संभाल के रखना। ए एड़े, दाई आंख का फड़फड़ाना बोले तो कुछ अच्छा होने वाला है। मुन्ना कुछ अच्छा ही हुआ है। मैं अभी अभी एक बहुत बड़ी फिल्म साइन करके आई हूँ। क्या बात कर रही है, तेरे को फिल्म में काम मिल गया? वो भी लीड रोल। अरे सिस्टर, तू हीरोइन बन गई?
हाँ आंटी, पर अभी फिल्म का शूटिंग बाकी है। अरे शूटिंग बाकी है तो क्या हुआ, हीरोइन तो बन गई ना। विधि, मैं सच में बहुत खुश हूँ, और ये टाइम तो ना सेलिब्रेट करने का। लेकिन कुछ दिनों पहले अपन को ऐसी चेक खबर मिली थी, अपन सब लोग कितने खुश हुए थे, मिठाइयां भी बांटी थी, लेकिन लेकिन फिर हुआ क्या? तकदीर वाली, एक कौन सी फिल्म में तेरे को काम मिला? कौन है ये लोग? देख, अपुन को ना तेरे को पूछने का कोई हक नहीं बनता, लेकिन हक से ज्यादा ना अपुन को तेरी चिंता हो रही थी। मुन्ना, अच्छे लोग हैं ये। जोशी जी खुद आए थे मेरे साथ आज, वो जानते हैं उन्हें। साउथ के बहुत बड़े प्रोड्यूसर्स हैं ये लोग, अच्छी फिल्में बनाई है और इंडस्ट्री में उनका नाम भी अच्छा है। देख, वो सब अपुन नहीं जानता, अपुन सिर्फ इतना जानता है कि आज के बाद तू जहाँ भी काम करने जाएंगी ना, अपुन तेरे साथ चलेगा। मुन्ना, अरे मुन्ना एकदम सही बोलता है सिस्टर, अभी अभी तेरे पे ना कोई भी मुसीबत नहीं आना मांगता है। विधि, तू उनमें से किसी को जानती भी है जिनके साथ काम करने जा रही है? हाँ नाजिया, मैं इस फिल्म के हीरो को जानती हूँ। हीरो को? कौन? जानना चाहते हो मुन्ना, हीरो कौन है? हाँ, प्रेम रोशन नंदा। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना है आपने, अंजी रेड्डी साहब ने प्रेम को एज हीरो साइन किया है। जी थैंक यू सो मच। हाँ बड़ी बात तो है। और पता है इस फिल्म में प्रेम की हीरोइन कौन है? अंकिता जी। हाँ हाँ, बस मुझे तो ऐसा लग रहा है कि फिल्म अभी सुपर हिट है और मैं ऐसी पार्टी दूंगा उसके बाद की दुनिया देखेगी जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू भाई, मुबारक हो। पूरे इंडस्ट्री में बात फैल गई है कि तुम दोनों को अंजी रेड्डी साहब ने साइन किया है। कम ऑन, इट्स टाइम टू सेलिब्रेट, कम ऑन। डैड, आप तो हमसे भी ज्यादा खुश लग रहे हो। क्यों नहीं हो बेटा? मेरा बेटा और मेरी होने वाली बहू तरक्की जो कर रहे हैं। आज मॉम हमारे साथ होती तो बहुत खुश होती। होता अंकल प्रेम, थैंक यू सो मच। आज आप लोगों की वजह से ही मुझे ये फिल्म मिली है। कम ऑन बेटा, डोंट बी फॉर्मल, वी आर वन फैमिली। ठीक है, और रंजीत साहब आने वाले हैं अभी, उनका फोन आया था, कह रहे थे कि कुछ सरप्राइज देना चाहते हैं। अब पता नहीं क्या सरप्राइज है वो। सरप्राइज? वो क्या? अभी तो वही जाने, हम लोग सिर्फ गेस्ट वर्क कर सकते। मुझे ऐसा लगता है कि मुहूर्त में रजनीकांत सर आ रहे हैं। यस, वाओ, दैट साउंड्स ग्रेट। अच्छा प्रेम बेटा, तुम्हारा क्या गेस्ट? मुझे लगता है कि फॉरेन लोकेशंस के दिन बढ़ जाएंगे। ये हो सकता है पूरी की पूरी शूटिंग आउटडोर हो, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, टर्की। नॉट बैड। और अंकिता, तुम्हारा गेस क्या है? माय गेस कि इस फिल्म में मेरा डबल रोल होगा, वो भी डिफरेंट लुक्स के साथ। दैट साउंड्स कूल। अब तो बस रेड्डी साहब आए हैं तभी हमें पता चलेगा किसका गैस सही है, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा गैस सही। See, I'll be right. मुझे जिस लड़की तलाश थी वो लड़की मुझे मिल गई है। Sorry to say कि अंकिता नहीं है। छुपाओ कैसे लगा चुनरी में दाग।
रोशन साहब। अरे आइए आइए अंजी रेड्डी साहब, प्लीज वेलकम। कैसे हैं आप? मजे में। आप कैसे हो? फर्स्ट क्लास। अरे वाह। अच्छा वैसे आपने फोन पे बताया था कि आपको सरप्राइज देने वाले हैं, तो बात क्या है बताइए ना। और वैसे भी हम सेलिब्रेशन के मूड में हैं। Why not? रोशन साहब, एक गुड न्यूज आपको सुनानी है, वो सुनने के बाद आप खुशी के मारे जूम हो जाओगे। जूम उठेगा। अच्छा बता तो दीजिए बात क्या है। मैंने आपसे कहा था मेरे हीरोइन का रोल बहुत हटके है, जबरदस्त है जी। सच तो है कि रोशन साहब, मुझे ऐसे हीरोइन की तलाश थी जो इस रोल को निभा सके, और मेरी तलाश खत्म हो गए। कांग्रेट्स संगीता। थैंक यू। मतलब अभी आपका अंकिता पे पूरा ट्रस्ट है? ट्रस्ट की बात नहीं है, मुझे जिस लड़की तलाश थी वो लड़की मुझे मिल गई है। सॉरी टू से, ये अंकिता नहीं है। मैं नहीं, मतलब सॉरी बेबी, मैंने तुम्हें सेलेक्ट किया था लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। सॉरी, यू नाउ आउट। आप ऐसा नहीं कर सकते रेड्डी साहब, कम ऑन। सॉरी रोशन साहब, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। अगर अंकिता से बेहतर मुझे अगर हीरोइन मिलती है तो मैं क्यों रिस्क लूं? और मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। मुझसे बेहतर हीरोइन कौन? रेडी साहब, आपने कमिटमेंट किया था कि कमिटमेंट तो होती है तोड़ने के लिए प्रेम बाबा। तो आप जानना चाहती हो? रेड्डी साहब की फिल्म की हीरोइन कौन है? रेड्डी साहब के फिल्म की हीरोइन। चलिए रोशन साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस से आज सारी मीडिया और इंडस्ट्री को बता देना चाहता हूँ मेरी नई हीरोइन और हीरो को। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको मेरी नई फिल्म की हीरो हीरोइन को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, प्रेम और विधि।